हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपर्णा और आज की हमारी ये वीडियो उन महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए है जो घर बैठे अच्छे खासी अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पे आप कुछ घंटों काम करके अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, मैं मीशो के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग एप्लीकेशन मीशो, तो वहाँ के प्रोडक्ट आप रीसेल कर सकते हो और यहाँ तक कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करके अर्निंग कर सकते हो। तो मीशो पे किस प्रकार काम करना है और आप खुद के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने के लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार आप सप्लायर पैनल पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट आपके स्किप हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने मीशो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप जाकर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, मीशो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे लिंक से अगर आपने ये ऐप डाउनलोड किया तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मीशो का जो आइकन है वो पिंक कलर का है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, आप अपना नंबर नाम वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शॉर्टली इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप कस्टमर को किस प्रकार प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, किस प्रकार ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और खुद के लिए भी आप यहाँ इससे खुद के लिए भी आप जो प्रोडक्ट है वो मंगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपको रीसेलिंग करनी है तो रीसेलिंग कर सकते हैं। खुद के प्रोडक्ट अगर आपको मीशो पे सेल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है तो आप खुद के लिए शॉपिंग इस ऐप से कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए, आपको प्रोडक्ट किस प्रकार शेयर करने होते हैं ये मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे होम पे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये प्रोडक्ट, ये जो शर्ट दिखाई दे रही है, ये अगर आपको शेयर करने, तो आपको सिंपली यहाँ पे शेयर नाउ पे क्लिक करना है। शेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप पे ले जाएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है यहाँ पे। व्हाट्सएप पे ले जाने के बाद वहाँ पे आपको जिस भी ग्रुप में या फिर जिसको भी आपको ये शेयर करने हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से ही आपको आपके व्हाट्सएप में ले जाएगा। फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपको आ जाती है। आपको क्लिक करना है बस, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी आ जाती है, ठीक है। बैक कर दी हूँ मैं। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सेल करना है, रीसेल करना है या फिर खुद के लिए मंगाना है तो किस प्रकार ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी, इस प्रोडक्ट में जितने भी कलर हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर सिंपली आपको फॉर एग्जांपल अब ये लेना है, आपको ऑर्डर करना है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इसकी सिलेक्ट साइज़, जो आपको साइज चाहिए वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्मॉल करती हूँ, मीडियम करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना प्रोडक्ट मंगाना है, एक दो जितना भी, यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर कंटिन्यू पे फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ऊपर एक बास्केट का आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी गए हैं, ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, फ़ोनपे, तो आप कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 405 का ये प्रोडक्ट है। आपने अगर बढ़ाकर 100 rupees आप मार्जिन इस पर कमाना चाहते हो तो 500 का आप बता सकते हो आगे आपके कस्टमर को। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको मीशो में मिल रहा है 405 का, आप यहाँ पे 505 बता सकते हो, यानी कि 100 rupees यहाँ पे मार्जिन कर सकते हो। मीशो यहाँ पे आपके कस्टमर को कुछ भी इसका नहीं पता चलता कि ये प्रोडक्ट 405 का है, कुछ भी पता नहीं चलता। और आपको सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर लेनी है और यहाँ पर आपको ऑर्डर कर देनी है, डालनी है, आपको आपके जो मार्जिन है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाती है। तो देखिए,
मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ बढ़ा कर बताए हैं, इसलिए मैंने 505 डाला है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू एड्रेस डालना है, ठीक है। फिर एड्रेस डालने के बाद प्रोसेस, फिर आगे की प्रोसेस हो जाती है। इस प्रकार आपको करना है, आगे आगे करते जाना है, आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे न्यू एड्रेस भी डाल सकते हैं, मैं मेरा ही डाल के आपको बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल करके। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सेव है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है इससे। और फिर इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार आएगा। फिर से आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली क्या हुए प्लेस हो चुके हैं। तो आपको मैसेज आ जाएगा, योर ऑर्डर इज़ सक्सेसफुल विथ, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे आपके ऑर्डर ट्रैक भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो देख सकते हैं इस प्रकार आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और आपको ऑल कैटेगरी के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे ऊपर सर्च बार में सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, तो हम ये साड़ी डाल के करेंगे। उसमें साड़ी में जितने भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब सर्च बार में आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली ये कर सकते हो। और देखिए अब बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, अगर आपने सपोज ये शेयर किया और फिर आपके कस्टमर को ये ब्लाउज़ पसंद आया और उन्होंने बोला कि हमें ये चाहिए, तो फिर मीशो में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये आप कहाँ सर्च करेंगे। तो देखिए अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको देखिए यस करके कुछ नंबर दिखाई देता है, 15, 41, 39 एंड 73। तो ये आपको क्या करना है, यस डाल के सर्च बार में ये नंबर डालना है, ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक्सचेंज रिटर्न 7 डेज़ के अंदर एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता या फिर कुछ बाय मिस्टेकली डैमेज आ जाता है तो आप 7 डेज़ के अंदर इसको एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हो। आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें जो प्राइस है वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं हमें प्रोडक्ट। तो आप अच्छी खासी अर्निंग इस ऐप से कर सकते हो। तो देखिए देखिए नीचे होम कैटेगरीज ऑर्डर कम्युनिटी एंड अकाउंट। जब हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर करके रखा है, इसलिए मेरा ये पूरा शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है ऊपर, और मेरी कौन सी लेवल है वो भी शो कर रही है। माई जर्नी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, माई जर्नी कॉलर्स एट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माय बैंक डिटेल्स, आपको यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स फिलअप करने होते हैं ताकि जो भी आप अर्निंग करें वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। माय शेयर कैटलॉग, माय अर्निंग्स, माय पेमेंट्स, रेफर एंड अर्न, लॉटरी स्पिन, मीशो क्रेडिट हेल्प, बिजनेस लोगो, बिकम अ सप्लायर सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग एंड रेट मीशो, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, व्हेन वी गेट एन ऑर्डर ऑन द मीशो सप्लायर पैनल सी हाउ वी गेट दिस हाउ पैक दिस प्रोडक्ट, ओके। तो उस पर मुझे बहुत सारी कमेंट आई है। तो कईयों ने मुझे पूछा मैसेज करके कि हम मीशो सप्लायर पैनल पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं, या फिर अपना खुद के प्रोडक्ट जो है वो मीशो पर किस प्रकार हम सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अकाउंट में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है बिकम अ सप्लायर। तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, बिकम अ सप्लायर इस ऑप्शन पे। थोड़ा सा लोड ले रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपने ऑलरेडी सप्लायर पैनल पे रजिस्टर करके रखा है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे देखिए अगर नहीं किया है तो किस प्रकार आप कर सकते हैं मैं बताती हूँ, आप खुद के प्रोडक्ट मीशो पे किस प्रकार सेल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको मीशो सप्लायर पैनल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास GST होनी ज़रूरी है और बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ ग्रो योर बिजनेस फास्टर बाय सेलिंग ऑन मीशो।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने मेरा जो अकाउंट है सप्लायर पैनल पे, तो वो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको क्या प्रोसीजर करनी है। तो देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, 1 करोड़ प्लस रीसेलर टू बूस्ट योर बिजनेस, ठीक है। सेकंड है पिन कोड सपोर्टेड फॉर डिलीवरी, यहाँ पे बहुत सारे पिन कोड, 1 करोड़ प्लस रीसेलर टू बूस्ट योर बिजनेस, यहाँ पे 24,000 पिन कोड सपोर्टेड फॉर डिलीवरी, 7 करोड़ प्लस कस्टमर बाय अक्रॉस इंडिया, एंड यहाँ पे है 700 प्लस कैटेगरी टू सेल, ठीक है। तो देखिए व्हाई सप्लायर्स लव मीशो, 1.8% लोवेस्ट कमीशन रेट्स विथ लेस देन 1.8% अवर कमीशन रेट्स आर द बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री। यहाँ पे लर्न मोर पे हम क्लिक करते तो देखिए यहाँ पे हमें पूरी जानकारी दी गई है, हाउ मच यू गेट पेड, सेटलमेंट अकाउंट, प्रोडक्ट प्राइस, कमीशन फी, GST, TS, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट सेलिंग, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए तो देखिए नीचे कुछ दिया गया है, ग्रोथ फॉर स्मॉल सप्लायर्स फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एंड अनब्रांडेड से लेके ब्रांडेड तक आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हो। ऑल सप्लायर्स हैव ग्रो देयर बिजनेस ऑन मीशो। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको सब जानकारी, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो देखिए हाउ इट वर्क्स, क्रिएट अकाउंट, आपको फर्स्ट क्या करना है, आपके खुद के प्रोडक्ट आपको अगर मीशो पे सेल करने हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है कि हाउ इट वर्क्स। क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट आपको क्या सप्लायर पैनल पे आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए ऑल यू नीड इज GST एंड बैंक अकाउंट, लिस्ट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ते हैं, तो वो किस प्रकार लिस्ट करने है? उसका भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। गेट ऑर्डर्स, ठीक है, फिर आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स एज सुन एज अवर रीसेलर शेयर योर प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद शिपिंग एट जीरो कॉस्ट, रिसीव पेमेंट, फिर आपको जो भी आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसका आपको पेमेंट आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग, तो ठीक है आपने इस पर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन है GST बैंक अकाउंट की वो फिलअप करनी है और फिर आपका सप्लायर पैनल पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं ओपन कर रही हूँ। तो देखिए मैं आपको मेरा जो सप्लायर पैनल है वो ओपन करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार का इंटरफेस होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सप्लायर पैनल, उसके बाद मीशो सप्लायर पैनल पे क्लिक करती हूँ। तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन करके रखा है, तो मैं इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ होम ऑर्डर, रिटर्न RTO ऑर्डर, इन्वेंट्री, पेमेंट, कैटलॉग अपलोड, सपोर्ट, प्राइस रिकमेंडेशन, देखिए यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन, अपलोड कैटलॉग्स, ऑर्डर, इन्वेंट्री, पेमेंट एंड नोटिस, ये यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। आपको जब भी आपको आपके प्रोडक्ट जो है वो क्या करने पड़ते हैं, लिस्ट करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको अपलोड कैटलॉग्स पे क्लिक करना पड़ता है। करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुल्क में और ऐड सिंगल कैटलॉग, ये दोनों दो ऑप्शन रहते, तो आप बल्क में भी कर सकते हो और सिंगल कैटलॉग भी आप अपलोड कर सकते हो, तो इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी। अभी मैंने ऑलरेडी लिस्ट करके रखे हैं इसलिए अभी मुझे नहीं करने। तो देखिए मैं बैक आती हूँ, यहाँ पे हमें पेमेंट का, सॉरी, ये नोटिस बोर्ड भी, यहाँ पे हमें नोटिस बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह आई हो तो यहाँ पे शो करती हूँ। इस प्रकार बैक आ जाती हूँ मैं, फिर बाद में पेमेंट पे हम जब क्लिक करते
तो देखिए आपकी यहाँ पे हमारी पेमेंट शो होती है, तो देखिए यहाँ पे मेरी पेमेंट शो हो रही है। उसके बाद में प्राइस रिकमेंडेशन, यानी अगर यहाँ पे आपको मीशो की ओर से प्राइस रिकमेंडेशन आता है, अगर मीशो में आपका ही प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में बिक रहा है तो वो आपको सजेस्ट करते कि इसकी प्राइस थोड़ी कम करो, क्योंकि यही प्रोडक्ट मीशो या अदर किसी वेबसाइट पे कम प्राइस में सेल हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन आता है। ठीक है, मैं बैक आ जाती हूँ। तो इस प्रकार, तो सप्लायर पैनल का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको आपके लिए बना दूंगी कि किस प्रकार आपको कैटलॉग अपलोड करने हैं, किस प्रकार लिस्ट करने हैं, ये डिटेल्स जानकारी मैं उसको उस वीडियो में दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीशो के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो हम बैक कर जाते हैं, तो मैं दूसरी और इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ शॉर्टली मीशो के बारे में, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ। तो देख, अभी हमने देखा हाउ टू सेल अवर प्रोडक्ट ऑन मीशो, ठीक है, ओन प्रोडक्ट ऑन मीशो, ठीक है। तो यहाँ पे माय जर्नी करके एक ऑप्शन है, तो देखिए माय जर्नी पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ लेवल है, बिगनर, लर्नर, ग्रेजुएट, एक्सपर्ट एंड लेगेन। तो देखिए मैं अभी लेगेन पे हूँ, तो ये है। उसके बाद है हम देखते हैं माय अर्निंग, तो देखिए माय अर्निंग यहाँ पे शो हो रही, तो वीकली माय अर्निंग देख सकते हैं आप यहाँ पे शो कर रही 36,544 यहाँ पे मेरी शो कर रही। मंथली पे जाते तो इस प्रकार आपको इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पे आप खुद की कितनी अर्निंग होती है, खुद की आपने कितनी अर्निंग की है, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स बताएगा। उसके बाद में देखिए मीशो क्रेडिट, आपको मीशो की ओर से क्रेडिट भी मिलता है। देखिए मेरा यहाँ पे एक्सपायरी हुआ है, स्पिन का भी मिला है, यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है। आपके बिजनेस का लोगो भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कितनी अर्निंग वगैरह की है, इसकी भी सारी जानकारी यहाँ पे दी है माय पेमेंट करके। तो इसमें सब शो होता है कि कितने तारीख का आपके बैंक में कितने रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए, ये यहाँ पे पूरा का पूरा शो करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करना, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।